आप किसी के लिए ग्रज रखो, आप किसी को नेगेटिवली अवैल्यूएट करो, ये सारा कुछ एंगर के आउटबर्स्ट की तरफ लेकर जा रहा होता है। यानी आप गुस्सा फील कर रहे होते हो, सोच में आता है गुस्सा, फील करते हो, उसके बाद उसका इजहार होता है। तो जो सोच में आता है और जो फील करते हो, अगर उसे भी हैंडल कर लिया, फिर तो बेहतरीन जिंदगी हो जाती है। इसका मतलब होता है कि आपका गुस्से का इजहार तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन आपकी फीलिंग्स भी कंट्रोल में आ जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, और आपका सोचने का अंदाज भी बेहतर हो जाएगा। नेगेटिव थिंकर्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर गुस्से के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, इसलिए कि वो हर सिचुएशन, हर सिनेरियो में अपने लिए देखते हैं कि मुझे इस चीज़ से ये नुकसान पहुंच रहा है, मुझे इससे ये नुकसान पहुंच रहा है, मैं तकलीफ में हूं। और कई लोग इससे सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं कि मेरे साथ सारे ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसको आपने ज़हन में रखना है, और एंगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से इसके तरीके होते हैं। अगर बिल्कुल हल्का फुल्का सा एंगर का इशू है, हल्का फुल्का इजहार हो जाता है, जैसे गुस्से में कोई लफ्ज़ बोल दिया और बाद में रिग्रेट हो गया, तो उसके नतीजे में आपको तकलीफ होती है, इसलिए आप उसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो कि जब भी कुछ बोलना है, यानी जब भी रिस्पॉन्ड करना है, तो डिले करो उसको। यानी किसी ने कुछ कहा और आपने थोड़ा सा डिले करके रिस्पॉन्ड किया, तो इससे आपका एंगर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। डिले जो है, वो आप डीप ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हो, आप वो 10 से 1 तक और बैकवर्ड काउंटिंग करके भी कर सकते हो। आप जस्ट ये कि किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आने लगा, आपने अपने आप को होल्ड किया, ओके, मैं अपने जहन में सोचा कि अच्छा, अब मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ और फिर रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो इस तरह से आप अपने जो गुस्सा है, उसके इजहार को कंट्रोल कर लोगे।